मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट इतनी महंगी है ना कि उसको खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। मान लो कोई छोटा बच्चा होगा इंडिया में और मिस्टर बीस्ट को जानता होगा, मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट को भी जानता होगा फेस्टिवल को, और अपने मम्मी से बोलेगा मम्मी ये वाली चॉकलेट दिला दीजिए। फिर मम्मी सुनेंगे कि वो 400 रुपए का है, तो मम्मी सीधी सीधी बात ये बोलेंगी 30 रुपए दूंगी, देना है तो दो नहीं तो जाओ। तो मेरे को बैंक से लोन ही लेना पड़ेगा और फिर कुछ दिन बाद ये शहर छोड़ना पड़ेगा। यार मिस्टर बीस्ट, आप तो इंडिया में अपना चॉकलेट इतना महंगा बेच रहे हो, हमको उसको खरीदने के लिए कम से कम 2-3 महीने का पैसा जुटाना पड़ेगा, समझ रहे हो। इंडिया में तो ऐसा है ना कि तुम फेस्टिवल मान लो खरीद के भी लेके आ रहे हो 400 रुपए की, और अपने मम्मी को बताओगे मम्मी ये 400 रुपए की चॉकलेट है, पता है कब लेना, बेटा हीरा भी है क्या उसमें, हीरा भी है ये चॉकलेट, आप कोहिनूर पीस के डाला गया क्या है। यहाँ पे 40 रुपए की स्प्राइट की बोतल को खरीद के उसका जब तक स्टिकर ना फट जाए तब तक यूज करने वाले लोग 400 रुपए का प्राइम पिएंगे। ये वाले बोतल को लोग ऑफिस लेके जाते हैं, बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, सब लोग इसको यूज करते हैं, और प्राइम उतना छोटा सा बोतल बड़ा रहता 2 लीटर का, तब 400 का खरीदते तो समझ आता। हमारे यहाँ के लोग इस स्प्राइट के बोतल को तब तक यूज करेंगे जब तक ये जो ये रैपर देख रहे हो इसका एकदम वाइट ये ना हो जाए, जब तक फटे ना तब तक, और जब तक बोतल में इधर उधर पुचुक पुचुक ना जाए। मतलब उसके लिए पूरा प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि इस डेट को मैं खरीदूंगा, आज से सेविंग करना शुरू करता हूँ। और यहाँ के लोग प्राइम पियेंगे, बिल्कुल नहीं पियेंगे, सीधी सी बात बता रहा हूँ, उतना महंगा में 2-3 स्प्राइट का बोतल आ जाएगी 2 लीटर वाली। तो मैं मिस्टर बीस्ट से बोलना चाहता हूँ, अपने देश में रहते हो तो पैसा बांटते हो, हमारे देश में आए हो तो 2-4 को चॉकलेट फेंक रहे हो ऑटो से, भेदभाव क्यों है, भेदभाव क्यों ये वाला। 499 रुपए करीब वो चॉकलेट है, उतने में तो 7-8 डेयरी मिल्क आ जाएगा। मैं तो ये बोलूंगा मिस्टर बीस्ट भले ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर होंगे लेकिन वो इंडिया अपने मतलब के लिए आए थे, प्राइम और एक उनका मिस्टर बीस्ट ब्रांड जो उनका चॉकलेट है, और हमारे इंडिया के क्रिएटर्स फोटो खिंचवाने के चक्कर में सबने उनका चॉकलेट को प्रमोट किया है। मिस्टर बीस्ट भी बहुत चनाक आदमी है भाई, ऐसे ही नहीं बोला जाता, नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। कैरी मिनाटी के वीडियो में आने की वजह से मिस्टर बीस्ट को जो लोग नहीं भी जानते थे वो लोग भी जान गए, और उस आदमी ने क्या गेम खेला कि यहाँ पे आके सारे क्रिएटर्स को बटोर के अपना जो चॉकलेट है और एक कोल्ड ड्रिंक लोगन पॉल जिसका भी है वो सब लोग ने अपना प्रमोट करा लिया यार। इसीलिए मेरे को लगता है मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर है भाई, क्या दिमाग लगाया है भाई। मान लो अगर आप चॉकलेट ब्रांड अपना वो किए भी, अपना यहाँ पे ला के प्रमोट भी कर दिए, लेकिन उसका प्राइस कितना है, 400 रुपए का कोई चॉकलेट खाएगा। यहाँ पे मान लो मैं कोई चीज 40-50 रुपए का कभी खाता हूँ तो सोचता हूँ भाई ये नहीं खाया होता तो 40 रुपए बच गए होते। यहाँ पे लोगों की ऐसी सोच है, अब बेच रहे 400 रुपए का चॉकलेट, 400 रुपए में 60 अंडे आ जाते हैं 2 महीने के लिए। नहीं पता है मिडिल क्लास सोच है, लेकिन मिडिल क्लास ही तो ज्यादा है यार इंडिया में। मिस्टर बीस्ट अमेरिका के हिसाब से नहीं यार, इंडिया के हिसाब से चॉकलेट का प्राइस रखना चाहिए ना। देखो मैं तो सीधी सीधी बात बोलता हूँ, ये चॉकलेट मेरे को ऐसा लग रहा है ज्यादातर गट फीलिंग आ रही है कि फ्लॉप होने वाला है, और नहीं तो अगर खरीदेंगे तो अमीरी लोग खरीदेंगे, हम जैसे लोग को तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा ना। इंडिया में हम जैसे लोग 10 रुपए का फ्रूटी खरीदने में 10 बार सोचते हैं कि इससे अच्छा कुछ और खेलूंगा ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे लोग 300-400 का प्राइम पियेंगे। नहीं नहीं सोच के देखो यार, मिस्टर बीस्ट लोगन पॉल केएसआई, यार मिस्टर बीस्ट का तो पूरा प्लान था कि कैरी नाटी ने हम पर वीडियो बनाया, लोग मेरे को जान ही गए, हम धीरे धीरे इसी चक्कर में अपना पूरा एकदम ब्रांड इसी में कर देते हैं, झोंक देते हैं, चलेगा दबा के। मेरे को नहीं लगता है कि शायद मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मिस्टर बीस्ट ने किसी भी क्रिएटर को पैसा दिया होगा इसको प्रमोट करने के लिए, सब फोटो खिंचाए पड़े हैं। तो देखो दोस्तों अब रियल चीज की बात करते हैं, क्या तुमको लगता है कि मिस्टर बीस्ट की फेस्टिवल केएसआई का प्राइम चलेगा यहाँ पे? मेरे को शायद लग रहा है नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा, अगर इसका प्राइस कम होता तो शायद चल जाए, क्योंकि लोग गरीब हैं यार यहाँ पे हम लोग जैसे। यहाँ पे 1-1 रुपए का चिंगम की पार्टी देने वाले लोग हैं, और यहाँ पे सच्ची में एक बात बताऊँ तो यहाँ पे बहुत सोचना पड़ेगा फेस्टिवल को किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को खरीद, और जो प्राइम वो भी आया यहाँ, यहाँ पे 20 रुपए का कोकला मिल रहा है, कोला कंपनी ये कंपनी सब ने अपना वो किया है, तो मेरे को नहीं लगता कि मार्केट में उतना चलेगा ये फेस्टिवल। इतना महंगा रहेगा तो नहीं चलेगा, अगर कम रहा प्राइस तो चलेगा। रोनाल्डो और मौसी हमसे ज्यादा बढ़िया प्लेयर हैं, उनसे बड़ा प्लेयर हैं हम। अब मैं बॉल छोड़ दूंगा, गिरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेगा। क्या है ना कि जो मेरी जो आंख है ना वो बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आज हम क्रिकेट खेलना शुरू करूंगा, ठीक है।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में। कैसे लगी वीडियो कमेंट्स बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय।